सो गाइज, अभी आप जो व्यू देख रहे हो वो है तुगलकाबाद फोर्ट के बाहर का व्यू। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है घूमने के लिए। तो वीडियो हमारे साथ बने रहिए। ये है तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर जाने का रास्ता। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, होप अच्छे ही होंगे। सो आज मैं आ चुका हूँ कहाँ पर, तुगलकाबाद फोर्ट। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही है तुगलकाबाद फोर्ट। इसे स्कैन करके गाइस आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। यहाँ पर आप तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में पढ़ सकते हो। और जैसे ही आप एंटर करोगे मेन गेट से, आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा पुराना किला है। सो गाइस, अभी मैं तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या घूमने के लिए। सो वीडियो हमारे साथ बने रहिए। इस किले के पीछे बहुत ही बड़ा और घना जंगल है। अगर तुगलकाबाद फोर्ट की बात करें गाइस, तो इसे गियासुद्दीन ने बनाया था, जो कि 1321 में बनाया गया था। और इस किले को 1327 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो चलिए अब हम तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या खूबसूरत चीजें देखने के लिए। जैसे ही आप मेन गेट से सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे गाइस, आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये किला चारों ओर से ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। अगर यहाँ के एंट्री फी की बात करें गाइस, तो ऑनलाइन अगर आप टिकट लोगे तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होता है। अगर आप ऑफलाइन यहाँ पर आके टिकट लोगे तो आपको 25 रुपीज़ पे करना होता है। सो मैं सजेस्ट करूँगा टिकट ऑनलाइन ही लें। ऑनलाइन टिकट बुकिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू टिकट बुक कर सकते हो। सो गाइज़, अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर है वो खंडर। तो चलिए नीचे में वो अंदर खंडर में चलते हैं। सो गाइज़, अभी आप देख सकते हो हम खंडर के अंदर आ चुके हैं। और सच बोलूँ तो गाइज़, यहाँ पर बहुत सारे कमरे थे, मतलब मोर देन 50+ कमरे होंगे। और यहाँ पर ये खंडर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब मैं चलते जा रहा था ये खंडर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और जहाँ तक ये खंडर है वहाँ तक कमरे बने हुए हैं। सो गाइज़, अभी जा कर के मैं खंडर से बाहर आ पाया। जैसे ही आप खंडर से बाहर आओ गाइज़, आपको कुछ ऐसा व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब हम उस सामने बने फोर्ट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा आता है। और अभी आप देख सकते हो गाइज, मैं यहाँ फोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है टॉप से। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो मैं पूरा ऊंचाई पे आ चुका हूँ और मेरे पीछे से यहाँ से पूरा शहर दिखता है। मेरी आंखों पे धूप लग रही है। अभी आप देख सकते हो गाइज, तुगलकाबाद फोर्ट के पीछे जो जंगल है उसका व्यू और जो शहर बसा हुआ है उसका पूरा व्यू। ये किला इतनी ऊंचाई पर है गाइज कि अगर आप किनारे पे जाओगे और आपके पैर लड़खड़ाए तो बचने का कोई चांस नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा गाइज कि उस तरफ किनारे पर ना जाए। हाँ, ऊपर फोर्ट में बहुत ही ज्यादा तेज हवा लगती है गाइज। अभी आप देख सकते हो गैस, मैं आपको ऊपर से पूरा व्यू दिखा रहा हूँ किले का। ये किला चारों ओर से खंडर में तब्दील हो चुका है और इसके चारों ओर खाई जैसे बने हुए हैं। तो शायद आप सेल्फी और फोटो के चक्कर में साइड में ना जाए। सो गैस, अभी आप किले के ऊपर से देख सकते हो गैस, और ये कैंपस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मीन्स ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, उसके चारों ओर जंगल है, खाई है। तो यहाँ पर चढ़ने या उतरने वाले रास्तों को भी आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं है, सो आप जब भी आए तो बहुत सावधानी बरतें यहाँ पर उतरने टाइम या चढ़ते टाइम। अगर तुगलकाबाद फोर्ट की बात करें गाइस, तो ये जगह फोटोशूट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर पिक्स आपके बहुत ही अच्छे आते हैं। तो गाइस, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पर वो पूरा जंगल है पीछे तुगलक फोर्ट के। तो मैं आपको कैमरा जूम करके नज़दीक से दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जंगल है, बहुत ही घना जंगल है। और यहाँ पे जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड मैं नहीं करूँगा। तुगलकाबाद फोर्ट के ऊपर से आपको थोड़ी थोड़ी देर पर फ्लाइट्स आती जाती दिखाई देंगी। अभी आप ऊपर देख सकते हो गाइस, सेल्फी के चक्कर में लोग साइड पे आए हैं, बट आप प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि गलती से भी अगर आपका पैर फिसला तो बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है।
सो गाइस अभी आप देख सकते हैं लोगों ने इस किले का क्या हाल बना रखा है। कुछ भी दीवारों पर लिख रखा है इन्होंने, मतलब यहाँ पर आप आओगे तो चारों ओर यही सबको लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे लिखकर किले की दीवारों को गंदा करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सो चलिए गाइस अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और किले के दूसरे साइड में जाकर के आपको दिखाते हैं व्यूज कैसे हैं। गाइस अब हम किले के दूसरी ओर आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हो पहले हम उस सामने वाले किले के ऊपर थे और अभी हम किले के एंट्री के बाउंड्री साइड पे खड़े हैं और यहाँ पर से आप देख सकते हो रोड का व्यू और यहाँ पर भी चारों ओर किले को मतलब ध्वस्त कर दिया गया है। तो चलिए गाइस अब हम तुगलकाबाद फोर्ट से बाहर जाते हैं और गियासुद्दीन के मकबरे की ओर चलते हैं जिसने तुगलकाबाद फोर्ट को बनाया था। वो मकबरा बिल्कुल तुगलकाबाद फोर्ट के सामने बना हुआ, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो गाइस अभी आप मेरे पीछे जो देख सकते हो वो गियासुद्दीन का टॉप है, तो चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस जैसे ही आप तुगलकाबाद फोर्ट से बाहर आओगे उसके सामने आपको गियासुद्दीन का टॉम दिखेगा। सो मैं अभी गियासुद्दीन के टॉम के पास खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो वो है गियासुद्दीन का टॉम। तो चलिए अंदर चलते हैं। अगर मैं यहाँ की टिकट की बात करूँ गाइस तो यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट नहीं लेनी पड़ी। जो भी टिकट आपने पुराना किला के लिए लिया होगा गाइस उसी सेम टिकट को आप दिखा करके यहाँ पर अंदर एंटर कर सकते हो। अभी आप गियासुद्दीन टॉम के अंदर के कैंपस का व्यू देख सकते हो गाइस, कितना खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड है। और यही जो सामने में लाल गुंबद के अंदर बना हुआ वही गियासुद्दीन का टॉम है। तो गाइज आप मेरे पीछे भी देख सकते हो वो है गियासुद्दीन का टॉम, तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी आप टॉम के अंदर के नकाशी को देख सकते हो गाइज। तो गाइज अभी आप जो मेरे पीछे देख सकते हो वही है गियासुद्दीन का टॉम, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इन तीनों में से कौन सा है। तो गाइज अभी मैं गियासुद्दीन के टॉम से बाहर आ चुका हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ। सो गाइज अभी मैं गियासुद्दीन टॉम से बाहर आ चुका हूँ, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्लेस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए अब हम गियासुद्दीन के टॉम से बाहर चलते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आप गियासुद्दीन टॉम से बाहर आओगे सामने जो आप एंट्री देख सकते हो वो है पुराना किला की एंट्री, तो दोनों आमने सामने में ही हैं। सो गाइज मैंने तुगलकाबाद फोर्ट पूरी अच्छी तरह से घूम लिया है। सच बोलूं तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मीन्स आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएगा इस फोर्ट को पूरी अच्छी तरह से घूमने में। अगर इस फोर्ट की टाइमिंग्स की बात करें गाइज तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे तक ये फोर्ट खुली होती है, तो आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली बना सकते हो। अगर मैं यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो वो है सरिता विहार, तो आप अपने एरिया से अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। एक और बात गाइज अगर यहाँ पर आप आ रहे हो तो अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर कैरी करें क्योंकि ये कैंपस बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर अंदर में कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपको प्यास डेफिनेटली लग जाएगी। सो मेक श्योर अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करें। अगर मैं तुगलकाबाद फोर्ट के क्राउड की बात करूँ गाइज तो यहाँ पर क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स आप संडे को भी आ सकते हो क्योंकि मैं संडे को आया फिर भी मुझे उतनी क्राउड नहीं मिली। सो आप आराम से यहाँ पर संडे को दोपहर में आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको तुगलकाबाद फोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। सो होप गाइस आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट प्लेस पे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय, टेक केयर। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिए गाइस अब मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट प्लेस में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।